जिनकी बना पर जानवर एक दूसरे से मुख्तफ तस्वर किए जाते हैं पेज नंबर Kinds of ऑफ एनिमल्स काइंड एनिमल्स जानवर kinds ऑफ एनिमल्स जानवरों की इकसाम There are मैनी डिफरेंट काइंड आफ एनीमल्स दे आ मैनी बहुत से डिफरेंट मुख्तफ काइंडस ऑफ एनीमल्स जानवरों के एकसाम जनवरों की बहुत से मुख्तफ इकसाम होती हैं एनीमल्स आफ मनी कलर्स उनकी खूसियात में पहली खसूसियत उनका रंग एनिमल्स आफ मनी कलर्स जानवर बहुत से रंगों के होते हैं द एंजल फिश हैज ब्राइट ब्लू एंड येलो स्ट्रिप्स टू वन ऑफ इट्स एनिमीज द एंजल फिश हैज ब्राइट एंजल फिश की होती हैं रोशन ब्लू एंड येलो नीली और पीली स्ट्रिप्स धारें टू वन ऑफ इट्स एनिमीज उसके दुश्मनों को खबरदार करने के लिए एंजल फिश के जिसम पर नीली और पीले रंग की रोशन धारें होती हैं जो दुश्मनों को खबरदार रखती हैं खमेलियन पेज पे अगर आप दाई तरफ देखें तो छिपकली नमा एक जानवर आपको दिखाई दे रहा है ये कमेलियन है उर्दू में इसे गिरगिट कहा जाता है ए खमेलियन खैन चेंज इट्स कलर टू हाइड फ्राम इट्स एनमीज ए खमेलियन एक गिरगिट खैन चेंज तब्दील कर सकता है इट्स कलर अपना रंग टू हाइड फ्राम इट्स एनमीज अपने दुश्मनों से छुपने के लिए कमेलियन एक ऐसा जानवर है जो अपने गिरदोनवा के रंग को अखस कर सकता है

एनिमल्स हैव डिफरेंट आउटर खबरिंग्स डिफरेंट मुख्तफ आउटर बैरूनी खबरिंग्स साख्त जानवरों की मुख्तलफ़ बैरूनी साख्त होती है यानि जानवरों की जल्द एक दूसरे से मुनफरद मुख्तफ होती है जैसे कि स्नेल शेल स्नेल की बैरूनी सतह जेल्द या साख्त एक सख्त होल पे मुश्तमिल होती है फैरट फेदर्स फैरट तोता फेदर्स पर तोते के पर होते हैं फोक्योपाइन फोक्ोपाइन से, क्विल्स नोकदार खाल पोक्योपाइन, फाइन पोक्योपाइन जिसका जिसे हम उर्दू में सह कहते हैं इस पर नोकदार कीलदार किस्म के खाल के बाल होते हैं रैबिट, हरगोश फर इसकी नरम बालों वाली जिल्द होती है फ़र नरम बालों वाली जिल्द को कहते हैं फिश मछली स्केल्स स्केल्स मछली के जिल पर बाल नहीं होते पर भी नहीं पर्ंदों जैसे पर भी नहीं होते लेकिन इसके जिसम पर स्केल्स होते हैं जो उसे तैरने में और अपनी जिल की हिफाजत करने में मदद देते हैं पेज नंबर एलेवन

वेरी बहुत बिग बड़े कुछ जानवर बहुत बड़े होते हैं मिसाल के तौर पे खैमल ऊंट एलिफेंट हाथी पेज नंबर ट्वेल्व सम एनिमल्स आर वेरी स्मॉल कुछ जानवर बहुत छोटे होते हैं ए कैटरपिलर लिव्स इन ए ट्री एंड ईट्स लीव्स कैटरपिलर एक नन्हे कीड़े का नाम है लिव्स कैटरपिलर लिव्स रहता है इन ए ट्री दरख्त में एंड ईट्स लीव्स और पत्ते खाता है एक कैटरपिलर दरख्त में रहता है और पत्ते खाता है ए लेडी बर्ड हेल्प्स प्लांट्स बाय ईटिंग टाइनी इंसेक्ट्स विच कैन हार्म लेडी बर्ड पत्ते में देखें एक लाल रंग का कीड़ा दिखाई दे रहा है इसका नाम है लेडी बर्ड लेडी बर्ड पौधों पे मौजूद मुख्तलिफ छोटे छोटे अशरात कीड़ों मकोड़ों को खा के पौधों को उनसे बचाता है ए लेडी बर्ड एक लेडी बर्ड प्लांट्स पौधों की मदद करता है बाय ईटिंग अप टाइनी इंसेक्ट्स बाय ईटिंग अप खा के टाइनी छोटे छोटे इंसेक्ट्स हशरात विच कैन हार्म देम जो पौधों को नुकसान पहुंचा सकते हैं पेज नंबर ट्वेल्व सम एनिमल्स लिव इन वेरी कोल्ड प्लेसेस कुछ जानवर लिव रहते हैं इन वेरी कोल्ड प्लेसेस बहुत ठंडी जगहों पे द लेग्स ऑफ ए सील आर लाइक फ्लिपर्स विच हेल्प इट टू स्विम इन द सी द लेग्स ऑफ ए सील आर लाइक फ्लिपर्स सील नीचे तस्वीर में देखें आपको एक जानवर दिखाई दे रहा है जो पानी में उतर रहा है इसका नाम है सील ये ठंडे इलाकों में पाए जाने वाला दरख्त है द लेग्स ऑफ द सील सील की टांगे आर लाइक फ्लिपर्स चिप चपटी होती हैं चप्पुओं की तरह चपटी होती है विच हेल्प इट टू स्विम इन सी जो उसे समुद्र में तैरने में मदद देती है एप्फोलो बियर हैज वेरी थिक एंड लेयर्स ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन टू हेल्प इट कीप वार्म की एक bear, एक बर्फानी रिच हैज वेरी थिक फ की बहुत मोटी खाल होती है एंड लेयर्स ऑफ फैट और चिकनाई की तहें होती हैं अंडर इट्स स्किन उसके जल्द के नीचे टू हेल्प इट कीप ठंड से बच सके ताकि उसका जिस्म गर्म रह सके थिक मोटी फर खाल लेयर्स तह फैट चिकनाई अंडर नीचे स्किन जल्द कीप वार्म गर्म रह सके पेज नंबर थर्टीन सम एनिमल्स लिव इन वेरी हॉट प्लेसेस सम एनिमल्स कुछ जानवर लिव रहते हैं इन वेरी हॉट प्लेसेस बहुत गर्म जगहों में ए कैमल कैन गो विदाउट फूड और वाटर फॉर मैनी डेज ए कैमल, एक ऊंट कैन गो विदाउट फूड और वाटर पानी और खुराक के बगैर रह सकता है फॉर मैनी डेज बहुत दिनों तक गो विदाउट किसी चीज के बगैर रहना फूड खुराक वाटर पानी डेज दिन द ओस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट बर्ड इट लिव्स इन द डेजर्ट द ओस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट बर्ड शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा परिंदा है इट लिव्स इन द डेजर्ट और ये सहरा में रहता है नीचे तस्वीर में आप शुतुरमुर्ग और ऊंट की तस्वीर देख सकते हैं पेज थर्टीन सम एनिमल्स लिव इन वाटर कुछ जानवर पानी में रहते हैं ए रे इज ए फिश रे एक मछली है विच इज शेप्ड लाइक ए खाइट जिसकी शक्ल एक पतंग की तरह है इट सीम्स टू फ्लाई थ्रू द वॉटर बाय फ्लैपिंग इट्स ह्यूज विंग्स इट सीम्स टू फ्लाई ऐसा लगता है कि वो उड़ रही है थ्रू द water पानी में seems लगना महसूस होना fly उड़ना ऐसा महसूस होता है कि वो उड़ती है थ्रू द water पानी में बाय फ्लैपिंग इट्स ह्यूज विंग्स अपने बड़े बड़े परों को फड़फड़ा के फ्लैपिंग पर मारना ह्यूज बड़े विंग्स पार फेज नंबर फोर्टीन द डोल्फिन लिव्स इन द वाटर डॉल्फिन पानी में रहती है एंड खम्प्स टू द सर्फस टू ब्रीद एंड खम्प और आती है टू द सर्फेस सतह पर वो पानी की सतह पर आती है टू ब्रीद ताकि वो सांस ले सके डॉल्फिन एक मछली है जो पानी में रहती है लेकिन क्योंकि पानी में सांस नहीं लिया जा सकता वो पानी की सतह पर आती है ताकि सांस ले सके पेज नंबर फोर्टीन सम एनिमल्स लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड कुछ जानवर रहते हैं बोथ दोनों इन वाटर पानी में एंड ऑन लैंड और जमीन पर एथर्थल हैज ए हार्ड शेल टू प्रोटेक्ट इट्स बॉडी हैज ए हार्ड शेल एक कच्वे का एक सख्त होल होता है टू प्रोटेक्ट इट्स बॉडी जो उसके जिसम की हिफाजत करता है इट लेज इट्स एग्स इन साइड ए डीप होल इन द सेंड इट लेज इट्स एग्स कछुआ अंडे देता है इन साइड ए डीप होल इन द सेंड रेत में एक गहरे गड़े गढ़े के अंदर कछुआ रेत में गहरे गड़े के अंदर अंडे देता है इसी तरह कछुए के तरह मगरमच्छ, क्रोकोडाइल भी पानी और खुशी दोनों जगहों पे रह सकता है पेज नंबर 15. सम एनिमल्स आर अनयूजल कुछ जानवर गैर अमूमी होते हैं वो मुनफरिद और मुख्तलिफ होते हैं मसलन अस्नेल हैज ए शेल एक कुंगे का बैरूनी सख्त खोल होता है ए स्टार फिश लुक्स लाइक ए स्टार स्टारफिश सितारे की मानद दिखाई देती है लुक लाइक like किसी दूसरी चीज की तरह दिखना एन ऑक्टोपस हैज एट आर्म्स ऑक्टोपस के आठ बाजू होते हैं सी होस इज ए फिश विच लुक्स लाइक ए होस समुद्री घोड़ा एक मछली है जो खुश्की के घोड़े की तरह दिखाई देती है ए जेलीफिश लुक्स लाइक जेली जेलीफिश जेली की तरह दिखाई देती है लुक्स लाइक ए फ्लावर सी नेमनी एक समुद्री दरिंदा है लुक्स लाइक ए फ्लावर जो फूल की तरह दिखाई देता है यानी यह घात लगा के जानवरों का शिकार करता है फूल की तरह दिखता है जब जा जा जानवर इसके करीब जाते हैं तो ये उन्हें खा जाता है इसे सी इन्ना कहते हैं सम एनिमल्स ले एग्स कुछ जानवर अंडे देते हैं सम हैव लाइव बेबीज और कुछ के जिंदा बच्चे होते हैं